अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद बर्डी है और मैं कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भिवंडी में, लेकिन मेरा स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो डायबिटीज़ का मर्ज़ है। आमतौर पे जब कोई पेशेंट ये सुनता है कि मुझे डायबिटीज़ हो गई, तो सबसे पहले जो उसके जहन में बात आती है वो ये है कि ये ऐसा मर्ज़ है कि अब कभी इससे छुटकारा नहीं मिल पाएगा, ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगी, मिठाई, शक्कर और कुछ मनपसंद फ्रूट जैसे आम, केला वगैरह से हमेशा हमेशा परहेज़ करना पड़ेगा। लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि ऐसा नहीं है। असल में डायबिटीज़ जो मर्ज़ है वो शुगर के नाम से मशहूर ज़रूर है, मगर इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि मसल्स, जो हमारा गोश्त है, मसल्स के बाहर जो है वो चर्बी की एक ऐसी लेयर जम जाती है जिसकी वजह से इंसुलिन, जिसका काम है कि खून की शक्कर को मसल्स में दाखिल करे और ताकत का एहसास दिलाए और हमें ताकत और कुव्वत दे, वो इंसुलिन काम नहीं कर पाता और ये शक्कर खून में तैरती रहती है, चेक करने पर शुगर हाई मिलती है और हम इसे शुगर की बीमारी कहते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम है कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता और इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ डायबिटीज़ जैसे मर्ज की बुनियादी वजह नहीं, बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े मर्जों की वजह बन सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, थायराइड डिजीजेज, ओबेसिटी वगैरह वगैरह। तो जब हम इस इंसुलिन रेजिस्टेंस से छुटकारा पाएंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और कुछ प्रोग्राम्ड डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए हम डायबिटीज़ की दवाएँ और डायबिटीज़ जैसे मर्ज से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। अपनी बीमारी को समझना खुद बीमारी का आधा इलाज है, तो आप हमारा ये डायबिटीज़ अवेयरनेस कैंप अटेंड करें, अपनी बीमारी और उसकी दवाओं से छुटकारा पाए और अपने रिश्तेदारों को भी इसकी सलाह दें। अस्सलाम वालेकुम।